आज तक आपने जिन पुनर्जन्म की घटनाओं को सुना, वह हकीकत में घटित हुई या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन आज जो घटना आप सुनने जा रहे हैं वह एक सत्य घटना है। पुनर्जन्म की यह घटना एक बहुत ही रोचक और सबको अचंभित करने वाली है। ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की अपने बॉस की सभी बातों को नहीं मानती थी। वह बॉस उस लड़की से नाराज रहता था। एक दिन नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उसने उस लड़की को मारने का निश्चय किया। लड़की को मारने के बाद वह निश्चिंत हो गया, लेकिन उस लड़की पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां थी, अतः वह अपने मरते समय अपने परिवार वालों को याद कर रही थी। जब उसकी मौत हो गई तो उसने हैदराबाद में जन्म लिया, वह भी एक लड़की के रूप में। जब वह 3 साल की हो गई तो उसने अपने माता पिता को बताया कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु एक आदमी ने की थी। वह चाहती है कि उसे फांसी की सजा हो, लेकिन माता पिता ने पहले उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। जब वह उन दिनों को बार बार याद करती और उस जगह का नाम भी बताने लगी जहाँ उसे दफनाया गया, तो बात पुलिस तक पहुँची। पुलिस वालों ने उसे वहाँ ले जाने का निश्चय किया और वह उस बच्ची को लेकर उस स्थान पर ले गए जहाँ उसे दफनाया गया था। अतः वह लड़की उन्हें एक खंडहर के पास ले गई, जहाँ खुदाई में उन्हें एक सड़ा गला शव मिला, जिसे देखकर सभी अचंभित हुए। तब पुलिस वालों ने उस आदमी का पता पूछा और जिसने उसे दफनाया था, तो वह उन्हें उस आदमी के घर तक भी ले गई। वहाँ जब पुलिस वालों ने कठोरता से उस आदमी से पूछताछ की तो वह सभी बातें सच निकली और उसने कबूल किया कि ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की का कत्ल कर एक खंडर के पीछे उसको दफनाया था। इस तरह चाहे लोग माने या न माने, पुनर्जन्म की घटनाएं सच्ची होती हैं। एक आदमी 3 साल तक अपने पिछले जन्म की सभी घटनाओं को भूलता नहीं है। अगर ये घटना आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की अनेक घटनाओं का वीडियो आप तक पहुँच सके।